सो हे गाइज, वेलकम टू माई व्लॉग चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बढ़िया ही होगा। यहाँ पर हम भी सब बहुत बढ़िया हैं। तो अभी जस्ट मैं आया था बाल कटवा के एंड नहा धो के, तो मैं वही बाल काटने की कोशिश कर रहा हूँ। होता है ना कि मतलब जब बाल कटवा के आते हैं तो सेट नहीं हो पाते, तो वही मेरे साथ हो रहा है। मैं काटने की कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ बट सेट नहीं हो रहे। बट चलो छोड़ो, अब जैसे भी कट गए बहुत है ना, तो बाल वाल तो सेट हो गए, रेडी शेडी हो गए। अब नहाए तो थोड़ी पूजा पाठ भी कर लेते हैं। वैसे तो मैं डेली ही करता हूँ नहा के पूजा, बट मैंने सोचा चलो आज व्लॉग में भी दिखा दूँ। बट व्लॉग में जस्ट दीपक जला के हाथ जोड़ के मैंने कैमरा कर दिया था, क्योंकि भाई मुझे तो अच्छा खासा ठीक ठाक टाइम ही लगता है पूजा करने में। अगर पूरा दिखाऊंगा तो व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा खिंच जाता, तो जस्ट दीपक जला के एंड हाथ जोड़ के मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था। एंड अब जाता हूँ मैं टेरेस पे अपनी वीडियोस बनाने। तो अभी हो रहा है थोड़ा सा शाम का टाइम और मैं आया हूँ अपनी टेरेस पे, क्योंकि मुझे करने हैं अपने शूट रील के, जो कि मुझे डेली 2 शॉट अपलोड करनी ही होती हैं किसी भी हालत में। तो पहले करते हैं अपनी रील शूट और उनको करते हैं अपलोड, और फिर चाय पीते हैं और चाय पी के चलते हैं खाटू श्याम बाबा के जागरण में। एंड दिखाते हैं आपको कैसे क्या होगा, क्योंकि मैं अभी खाटू श्याम बाबा के जागरण में तो मैं फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ। वैसे माता रानी वगैरह के जागरण में तो काफ़ी बार गया हूँ, तो देखते हैं कैसा है क्या है, क्योंकि अभी तक तो बस बैनर ही देखा है हमने उस साइड जहाँ पर मतलब है। उस साइड आज सुबह से मैं गया भी नहीं हूँ, कैसा क्या हो रहा है मैंने भी नहीं देखा। तो आप भी और मैं भी दोनों एक साथ ही देखेंगे। तो चलिए करते हैं अभी की शुरुआत। तो जैसे ही फिर ना मैं अपनी टेरेस से नीचे आया, इतने में मम्मी ने चाय बना के रख रखी थी और मैंने सुमित को बोला मैं चाय पी रहा हूँ अभी, तो आप देख सकते हो पीछे अंगड़ाइयाँ ही ले रहा है। तो मैंने इसको बोला जल्दी से रेडी हो और मैं चाय पी रहा हूँ और रेडी होकर फिर चल, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे, 1 घंटा लेट थे हम। तो ये भी रेडी हो गया मैं भी, और अब हम दोनों निकल चुके हैं खाटू श्याम बाबा के जागरण के लिए। और डेकोरेशन वगैरह इतनी प्यारी कर रखी थी ना गाइस, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, देखिए कितना अच्छा मतलब एंट्रेंस वगैरह कितने अच्छे बना रखे। और ये है बाबा का दरबार, चलिए मैं और पास से दिखाता हूँ, मत्था वगैरह टेक लेते हैं पहले, फिर मैं आपको और पास से बाबा का दरबार दिखाता हूँ एंड सब कुछ जैसा भी। एंड यहाँ पर फिर हम दोनों भाई भी बैठ गए, बाबा की भक्ति में मस्त हो गए। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता गाइस, हम खाना नहीं खा के गए थे बट फिर भी ना हमें बिल्कुल भूख नहीं लगी थी। हम जब तक घर आए थे 4-5 घंटे में हम घर आए थे, बट हमें बिल्कुल भूख वगैरह नहीं लगी। और इतना मज़ा आता ना कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। और यहाँ पर ये जो सिंगर अंकल हैं, इतने प्यारे प्यारे गाने गाते खाटू श्याम बाबा के, जो आजकल मतलब ट्रेंडिंग में नए नए वो भी। और एक दो गाने ऐसे भी थे जो मैंने नहीं सुने बट मज़ा काफ़ी आता है, क्योंकि जागरण में तो आपको पता ही है कि जो चीज़ आपने देखी हो सुनी हो वो हो या आपके सामने, तो आपको और अच्छा लगता है। बट जो चीज़ आपने नहीं सुनी नहीं देखी अगर वो भी हो तो और ज़्यादा मज़ा आता है। और ये देखिए खाटू श्याम बाबा के भक्त ऐसे मस्त होकर एकदम नाच रहे हैं, और मैं आपको साउंड सुनाता हूँ यहाँ पर कितना अच्छा आ रहा है। और ये बाबा का दरबार देखिए, अब मैं और ज़्यादा पास आ गया हूँ चौकी के, कितना प्यारा लग रहा है। दरबार तो ऐसा था ना कि बस देखते ही रहो देखते रहो, बिल्कुल नज़र ही नहीं हट रही थी मेरी तो दरबार से। और यहाँ पर ये जो भक्त नाच रहे थे उन्होंने तो और ज़्यादा रौनक कर दी थी, मतलब जैसे कहते हैं ना 4 चांद लगा देना, जागरण में इन लोगों ने 4 चांद लगा देते थे जो बाबा के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते डांस कर करके, इन्होंने और ज़्यादा रौनक बढ़ा दी थी। तो आपने साउंड सुना ना कितना प्यारा आ रहा था। और इसके बाद हम सभी को बिठा दिया था, क्योंकि हनुमान जी की झांकी आ रही थी। आप देख लो कितनी प्यारी झांकी हनुमान जी की, इतने प्यारे हनुमान जी बनाए हैं। और ये इनके साथ 2 बंदर भी बनाए थे लड़के, इनको देख के तो गाइस इतनी हंसी आ रही थी ना। और ये ऐसे डरा रहे थे मतलब लड़कियों वगैरह को, जो लड़कियाँ डर रही थी, तो वो चीज़ देख के काफ़ी हंसी आ रही थी। और ये वाली झांकी बहुत प्यारी थी। और ये जो बंदर वगैरह थे ये सबके पास आके किसी का फ़ोन लेके भाग रहे थे, किसी का हाथ से पैसे खुद ही छीन ले रहे थे, कभी टेंट पे चढ़ रहे थे। मैं आपको सब दिखाऊंगा। इन लोगों ने ना बहुत ज़्यादा रौनक कर दी, बस मिस्टेक एक ये है कि गाइज मैंने साउंड नहीं डाला इस झांकी का, क्योंकि मैंने सिलेंडर डाला। ये ऑफिशियली साउंड होते हैं जो पीछे से बने बनाए होते हैं, वही वाले चलते हैं, तो मेरे चैनल पर कॉपीराइट आ जाएगा, और कॉपीराइट आ जाएगा तो आपको पता ही है मेरा कितना नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए मैंने साउंड नहीं चलाया। बट हाँ, नेक्स्ट वाली झांकी में मैंने थोड़ा थोड़ा साउंड चलाया है, तो आप उसको इन्जॉय करना एंड इसको भी देखो। और ये देखो इन दोनों बंदरों को कैसे डांस कर रहे हैं। ये जो रेड वाला है ना, ये तो गाइस बहुत ही तेज था, ये तो हर किसी का फ़ोन लेके भाग जा रहा था। और फ़ोन भी ना एंड्रॉयड वालों के लिए ले रहा था, जो आईफोन से जितने भी बना रहे थे ना आईफोन वालों के, सबके फ़ोन लेके भाग रहा था। एंड आप देख सकते हो बाला, ये जो मतलब हनुमान जी हैं, ये देखो कितना प्यारा डांस कर रहे थे, इतना प्यारा डांस कर रखे थे ना। अगर आपको इनका डांस देखना है सॉन्ग, तो आप मेरी शॉर्ट पर देख सकते हो, मैंने शॉर्ट पर इनका डांस की वीडियो अपलोड करी है। और अब आप देखो इन बंदरों को कि कैसे ये टेंट पे चढ़ेंगे, मैंने बनाई थी वीडियो, वो भी अभी आएगी थोड़ी देर में। और ये ना मतलब लड़कियों में ज़्यादा झाड़ते, क्योंकि 1-2 लड़कियां डर भी रही थी और 1-2 लड़कियां ज़्यादा ओवर एक्टिंग भी दिखा रही थी, तो उनके पास ये ज़्यादा जा रहे थे और किसी का फ़ोन छीनने थे किसी का कुछ। और ये हनुमान जी को देखो इतना प्यारा डांस वगैरह कर रहे हैं, और इन्होंने असली में अपना सीना भी फाड़ा था, मैं वो भी दिखाऊंगा। एंड इन्होंने फिर सबको उठाया। एंड गाइस
उठाने के बाद फिर इनकी ना झांकी चली गई थी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा और था और बाहर ना जो नेक्स्ट वाली झांकी है वो आके खड़ी हो गई थी, तो इसलिए इन्होंने फिर से हाजिरी लगवाई, थोड़ा बहुत डांस करवाया इन्हों से सभी से जितने भी टेंट में थे हम लोग, और सबसे डांस वगैरह करवाया, क्योंकि ये लोग अब एंड कर रहे थे जागरण का, और दूसरी झांकी बाहर खड़ी थी ये राधा कृष्ण की, राधा जी आ गई एंड इन्होंने अपना डांस स्टार्ट कर दिया। तो इनका साउंड मैं सुनाता हूँ आपको। तो गाइस आपने साउंड सुना ना, कितना प्यारा साउंड आ रहा था, इतना प्यारा डांस करा था ना इन्होंने, और कृष्ण जी जब आए थे अब तो और ज़्यादा रौनक आ गई थी। बट मैं आपको सुनाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, साउंड मैंने इस वाली झांकी में थोड़ा थोड़ा साउंड क्लिप ऐसी छोड़ी है साउंड सुनाने के लिए, ज़्यादा नहीं कर सकता ना क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए इस झांकी को, बहुत प्यारी झांकी थी और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी इन दोनों ने। बट गाइस हम लेट बहुत हो गए थे, ये करीब 11:30 के करीब थी। तो हम दोनों भाई लेट ना हो जाएं, इसलिए हम सुदामा की झांकी नहीं देखी थी, हमने बिना सुदामा को ही देखे हम चले गए थे, बस सिर्फ हमने राधा कृष्णा देखे थे। तो आप भी देखें एंड एंजॉय कीजिए इस वाली झांकी को, बहुत प्यारी झांकी थी एंड बहुत प्यारा डांस करा था, और इनका जो लुक था ना वो भी बहुत प्यारा लग रहा था, सब लोग इनकी वीडियो बना रहे थे। और इस टाइम तो इतनी भीड़ भी हो रही थी ना जागरण में, बहुत ज़्यादा पीछे तक लोग बाग खड़े थे, क्योंकि ये पता चल गया था ना सबको कि इसमें झांकी भी आएगी। इसमें पता नहीं था वैसे झांकी आएगी कि नहीं, क्योंकि बैनर पर नहीं था, पर जब एक दो झांकी देखनी थी तो बहुत सारे लोग आ गए थे, आधे लोगों ने कॉल करके बुला लिए थे अपने घर वाले, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, बहुत रश था पीछे तक। मैंने वीडियो बनाई नहीं, बट मैं सोच रहा था बनाऊँ एंड दिखाऊँ। और यही वाली झांकी देख के सुमित और मैं तो चले गए थे, हमने सुदामा की देखी भी नहीं थी क्योंकि हम घर के लिए बहुत ज़्यादा लेट उठते गया। एंड गाइस यही वाली झांकी लास्ट झांकी थी, तो बस झांकी दो ही आई थी, एक हनुमान जी की और एक राधा कृष्णा और सुदामा की। बट सुदामा की हमने लेट के मारे देखी नहीं थी, 11:30 बज रहे थे इस टाइम, और हमें घर भी जाना था क्योंकि सुमित और मैं अकेले आए थे, हमारे साथ मम्मी पापा नहीं थे, पापा को उस दिन कहीं जाना था तो इस चक्कर में मम्मी भी नहीं आ पाई। अगर मम्मी पापा को याद है तो हम बिल्कुल जो कहते हैं ना एकदम एंड करके ही जाते हैं, क्योंकि हम जागरण वगैरह में भी जाते हैं ना तो हम सुबह ही आते हैं। तो बस हमने यही झांकी देखी एंड फिर इसके बाद सुमित और मैं जैसी मतलब इनका डांस खत्म हुआ, ये जब फिर लोगों को उठा रहे थे तो हम समझ गए थे कि अब इनकी झांकी खत्म हो गई और अब सुदामा जी आएंगे। तो सुदामा की तो हमने नहीं देखी एंड हम दोनों भाई घर आ गए थे। बट अगर मम्मी पापा आते तो हम एंडी करके आते, ऐसे जागरण में हम रात को जाते हैं तो हम सुबह ही आते हैं सारी झांकी वगैरह देख के, वो एक कथा होती है ना सुबह तारा रानी की कथा, वो सुन के ही आते हैं हम, क्योंकि मतलब हमारे हमको है ऐसा भक्ति भावना में ना, हमें बहुत अच्छा लगता है मंदिर वगैरह जाने ये सब। तो गाइस ये रहा बाबा का दरबार एंड हम लेते हैं बाबा के दरबार से विदा। आप लोग भी देख लीजिए ये सब नाच रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं और हम जा रहे हैं घर। तो लगाएंगे खाटू श्याम बाबा का जयकारा, बोलो खाटू श्याम की जय, और अब चलते हैं घर। तो मैं और मेरे भाई घर के लिए चल दिए एंड गाइस आप पीछे देख सकते हो कितना सुनसान हो रहा है, क्योंकि 11:30 बज गए थे ना तो सब लोग वहीं थे एंड यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलोनी है तो ज़्यादा लोग वैसे भी यहाँ पर घूमना पसंद नहीं करते। लास्ट आपको 8-9 बजे तक यहाँ दिखेंगे, बट उसके बाद फिर कोई नहीं घूमता, सब अपने घर वगैरह में जग रहे थे। और गाइस सुमित के तो बेचारे की चप्पल भी चोरी हो गई थी तो नंगे पैर आया था, तो मैं इसलिए ही हंस रहा था। तो घर आए, घर आके फिर मम्मी ने खाना दिया जिसमें कि मूली की भुजिया और ये आलू गोभी की सब्जी थी।